नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया पुलिस के हाथ लगे 5 गांजा तस्कर कब्जे से, 71 किलो अवैध गांजा, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। मुखबिर की सूचना, सुखपुरा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 प्लास्टिक की बोरियों से कुल 71 किलो नजायज गांजा बरामद किया है। साथ ही 6 अदद मोबाइल व 2 अदद अवैध तमंचा में 4 अदद जिंदा कारतूस तथा 2 अदद वाहन बुलेरो व बैलोनो भी बरामद किया है। पकड़े गए 5 व अभियुक्त वेरिया क्षेत्र के हैं, जिन्हें बसंतपुर मोड़ बहद ग्राम मिड्ढा के पास से गिरफ्तार किया गया है। पेशे बलिया से नवल चिकित्सा तकलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। ये सुखपुरा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है और ये जानकारी हुई कि ये बाहर से कहीं से ला के और आगे कहीं भेजा जा रहा था, और इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और निश्चय ही इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, जैसे कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां को जा रहा है, तो इस संबंध में अभी हम जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें जो शामिल है, जो कॉकस शामिल है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके 2 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें 71 किलो नाजायज गांजा जो 4 प्लास्टिक की बोरियों में था, 6 अदद मोबाइल, 2 अदद अवैध तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में थाना सुखपुरा पर धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी रिकवरी है और इसमें निश्चय ही अन्य लोग शामिल होंगे। बहुत ही गहराई से इसकी जांच की जा रही है कि इतनी भारी मात्रा में ये अवैध गांजा कहां से ला रहे हैं, कहां पर इनको ले जाना था। काफ़ी पूछताछ की गई है और कुछ क्लू मिले हैं, जिसमें अभी आगे भी कार्रवाई होगी।